गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेज 119 पैसेज 6। आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम्प। मैं एक इनोसेंट लैम्प की तरह लुकिंग इन टू डार्कनेस, अंधेरे में उसकी बातें सुनता रहा। आई फेल्ट एज इफ द बुचर वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कसाई अपना चाकू का धार तेज कर रहा हो। हमिंग अ ट्यून एंड वेटिंग टू टीयर मी इन टू लार्ज चंक्स, और मुझे बड़े बड़े टुकड़ों में काटने के लिए तैयार हो। ऑफ मीट एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट देयर इज अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, और फिर मुझे ये समझा रहा हो कि मरने के बाद ज़्यादा अच्छा जीवन होगा। गोन आर दोज डेज, गोन आर दोज फीलिंग्स। वो दिन गए, वो भावनाएं गई। वेन द वर्ड होम फिल्ड माई हार्ट विद इमोशन, जब घर का शब्द मेरे अंदर भावनाएं भर देता था। एंड देट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और वो शब्द भाई जो मेरे अंदर प्यार उमड़ देता था। वाट फीलिंग हैड, हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव, कैसे ये मेरा प्यार से दिल उछलने लग जाता था इन शब्दों से। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, उन सब चीज़ों को याद करते हुए आई फील वीक, मुझे कमजोरी महसूस हो रही, पैथेटिक दर्द महसूस हो रहा है। वेयर इज हार्ट गोन, मेरा दिल कहाँ गया। वेयर आर दोज डेज, वो दिन कहाँ गए। वेयर हैज़ दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गोन, वो फीलिंग कहाँ गई। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ अ स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ अ सडन बिकम, कैसे कोई अजनबी एकदम से इंटीमेट, जो मेरी पत्नी थी अजनबी पहले। ओनली शेयरिंग लिटिल वार्म्थ बाई गिविंग साइलेंट प्रोमिस ऑफ कीपिंग क्लोज, ओनली शेयरिंग अ लिटिल वार्म्थ, जो थोड़ी सी गर्मी दिखाकर गिविंग साइलेंट प्रोमिस और शांत प्रोमिस करे कीपिंग क्लोज पास होने का। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 20 days, दो दिन में मैं नॉर्मल हो गया। आई ग्रू यूज टू वॉट हैड बीन शॉक, लेटर ऑन जो शौक था लेटर ऑन उसके बाद। इन द मार्केट कीपिंग पेस विद माई वाइफ, अपनी पत्नी के साथ चलते हुए। इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइजेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मैंने कई चीज़ों की प्राइजेस पूछी। शी इंटेंडेड टू बाई, जो उसे खरीदनी थी। बाइंग अ फ्रिज ऑलमोस्ट सर्टेन, फ्रिज खरीदना तो लगभग तय था। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, और एक सेकेंड हैंड स्कूटर। अ स्टीरियो सेट, और एक म्यूजिक सिस्टम स्टीरियो सेट। एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और कुछ सोने के जेवर। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइजेस, मैंने प्राइज लिस्ट तैयार की। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन, वो अपने इंटेंशन के बारे में मुझे बार बार याद दिलाती रही। एंड वॉज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेशंस, और अपना इम्पेशंस अधीरता भी जताती रही। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। क्वेश्चन 1, हाउ डिड द ऑथर लिसन, ऑथर ने कैसे सुना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैड हैपेंड इन दोज डेज व्हेन ही हर्ड द वर्ड होम, उन दिनों में क्या होता था जब वो सुनता था शब्द घर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज द ऑथर कंसोलिंग, ऑथर किस तरह से कंसोल कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स बीट फास्ट, पैसेज से वो शब्द खोजिए जिसका अर्थ होता है तेज चलना। दैट्स आंसर इज पाउंड। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल, थैंक्स।